एक चीज मैंने देखा है कि जैसे जब से खेसारी लाल का ये टैटू वाला यानी कि कंट्रोवर्सी हुआ पवन सिंह और खेसारी लाल को लेकर, उसके बाद से ही इन प्रकार के ढेर सारे फैंस निकलने लगे हैं, चाहने चाहने वाले, मतलब जो है लाइमलाइट होने के चक्कर में। वैसे अगर भोजपुरी में देखा जाए, दिनेश लाल यादव जी हो गए, खेसारी जी हो गए, और मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी जी हो गए, मतलब हमारे जो बड़े बड़े स्टार हैं, जी एक स्तंभ माना जाता है इन लोगों का, भोजपुरी में बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों का पारिवारिक जीवन बड़ा कुशल है, बड़े आराम से कट रहा है, लेकिन पवन जी का मैंने देखा है काफ़ी दिनों से वो कंट्रोवर्सी मैटर तो रहा ही है उनका, पारिवारिक यानी फैमिली सिस्टम लेकर, शादी विवाह, तलाक देना छोड़ना, फिर अक्षरा सिंह के साथ मैटर। तो आप उनकी फैन हैं, बहुत चाहती हैं, किसी को चाहने से पहले उस इंसान को उसके करीब होके लोग देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, अच्छाई और बुराइयों को तौलते हैं, फिर किसी का फैन होते हैं। लेकिन पवन जी का जो है, अगर फैमिली मैनेजमेंट देखा जाए तो शुरू से ही बहुत गड़बड़ रहा है, क्या कहेंगी इस पे? देखिए, जो मैं ये कहूँगी कि उसकी जो फैमिली वाली मैटर है उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अक्षरा सिंह जो हैं उनके बारे में मैं थोड़ा कह सकती हूँ कि, और बस सिर्फ मिलना है, मिलना या है। मिलने के बाद जो है एक सबसे बड़ा वो होता है, लोग माइक ले लेके आपको ढूंढने लगते हैं, ये तो मन में मनसा लेकर नहीं आए। नहीं, मुझे पवन सर से मिलना है, और मिलने के लिए मान लिया आपसे, आपको पवन सिंह से मिलना, फिर खेसारी लाल से मौका मिल जाए मिलने को, तो देखिए, वो खेसारी लाल जी को जानते हैं हम, पर उसका दिल नहीं दुखा सकते, हम जानते हैं जानने उनको, तो भाई सुपरस्टार है, लेकिन हर कोई पहले जानता है, हम लेकिन पवन हाँ। सिंह सर जी से हम मिलेंगे, उसके बाद हम किसी को देखेंगे। अच्छा, मतलब अगर पवन सिंह से मिलने के बाद जो है मौका मिलेगा तो आप खेसारी से भी मिलोगी, नहीं, खेसारी जी सर से नहीं मिलेंगे, फिर तो आप कह रही थी अभी कि नहीं, मिलेंगे। देखिए मैं ये कह रही हूँ, मैं खेसारी जी सर से तब तक नहीं मिलूंगी जब तक खेसारी सर जी मुझे खुद नहीं कहेंगे कि आप मुझसे मिलो। अच्छा, यानी कि पवन सिंह से आप मिलने के बाद आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो जाएंगे, कि खेसारी लाल सुपरस्टार हैं आप जो बताइए, जिससे आप उनको पसंद करने लगी। अच्छी बात है, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं पवन सिंह जी, खास करके उनके ऊपर काफ़ी दिनों से इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि मतलब वो परेशान कर देते हैं इंडस्ट्री में लोगों को, जैसे लड़कियों को लेकर रहा है, उनके कुछ घरेलू विवादों को लेकर रहा है, फिर अक्षरा सिंह जी का मैटर लेकर रहा है, लेकिन कुछ टाइम आने के बाद मतलब अपने अपने तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, हम लोग भी सुनते ही हैं, वही मैटर लेकर लोगों के बीच में आते हैं, लड़कियों के प्रति उनका बड़ा रूखा स्वभाव रहा है, इस पर क्या कहेंगी? देखिए, जो कह रहे हैं वो तो हम नहीं जानते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि जो पवन सर हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब बात है दूसरे का गलत कहने का, तो पब्लिक कुछ भी कह सकती है। नहीं, एक चीज़ मैंने देखा है कि जैसे जब से खेसारी लाल का ये टैटू वाला यानी कि कंट्रोवर्सी हुआ पवन सिंह और खेसारी लाल को लेकर, उसके बाद से ही इन प्रकार के ढेर सारे फैंस निकलने लगे हैं, चाहने वाले, मतलब जो है लाइमलाइट होने के चक्कर में, कि जब से इन लोगों का कंट्रोवर्सी हुआ दोनों का, पहले तो बहुत जमता था, एक दूसरे के चाहने वाले जो फैंस थे अपने अपने तरीके से प्रदर्शित करते थे, लेकिन जब से कंट्रोवर्सी बना है पवन सिंह का और खेसारी लाल का, तो ऐसा आखिर क्यों? और भी तरीका हो सकता है जो देखिए, है बताने का, या जो है कि हम फैंस हैं आपके, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्या कहेंगे इस देखिए मैं तो फैन हूँ पवन सिंह की, बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, पे? बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, पवन सिंह अगर बोले कि आप हमें बहुत चाहती हैं, कैसे साबित करेंगी? मान लिया टैटू तो मान के चलिए एक आम बात हो गया, और क्या क्या साबित कर सकती हैं पवन सिंह जी को लेकर? पवन सिंह जी को लेकर मैं क्या साबित करूंगी? देखिए, मैं तो कोई भगवान तो नहीं हूं कि मैं अग्नि परीक्षा नहीं, दे आप दूं। अपने स्तर पे एक मॉडल हैं, एक लड़की हैं और सक्षम भी हैं, मॉडलिंग करती हैं, जी काफ़ी समझ है और खूबसूरत भी हैं, तो मतलब मीडिया लाइन से रिलेटेड काम कर रही हैं, अगर आपको मौका मिले है कि पवन सिंह जी को इम्प्रेस करना है हमें, तो कैसे करेंगी? इम्प्रेस करना है तो
मैं खुद जाऊंगी पवन जी सर के पास, मैं मिलके आऊंगी। नहीं, मिलके आना तो भाई एक सिंपल सा चीज हो गया कि मिलके आए या जो है, चलो ठीक है आपका मानना यही है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ, मान लिया आपको मौका दिया जाए, पवन सिंह जी एक सिंगर हैं और आप एक मॉडल हैं, और अगर आपको मौका दिया जाए कि मतलब अगर आपको इम्प्रेस करना है पवन सिंह जी को, तो कैसे इम्प्रेस करेंगे, अपने काम को लेकर, अपने या सिर्फ टैटू दिखा कर? नहीं, टैटू दिखा के नहीं करेंगे, मैं मेहनत करूंगी, हद से ज़्यादा डांस करूंगी जिससे मेरी डांस और भी अच्छी हो, और मैं हर एक डांस जितनी भी हो मेरे एक दिन में, मैं हर डांस करके मैं उनको सेंड करूंगी, वो देखेंगे आज नहीं कल, कभी ना कभी तो उसको मेरी डांस थोड़ी सी भी अच्छी लगेंगी। पवन सिंह के आप जो है बहुत बड़े फैन हैं, आप पूरे लाइफ के लिए अपने हाथों में जो है पवन सिंह जी को छाप लिया है। वैसे अगर भोजपुरी में देखा जाए, दिनेश लाल यादव जी हो गए, खेसारी जी हो गए, और मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, मतलब हमारे जो बड़े बड़े स्टार हैं, एक स्तंभ माना जाता है, इन लोगों का भोजपुरी में बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों का पारिवारिक जीवन बड़ा कुशल है, बड़े आराम से कट रहा है, लेकिन पवन जी का मैंने देखा है काफ़ी दिनों से वो कंट्रोवर्सी मैटर तो रहा ही है उनका, पारिवारिक यानी फैमिली सिस्टम लेकर, शादी विवाह, तलाक देना छोड़ना, फिर अक्षरा सिंह के साथ मैटर। तो आप उनकी फ़ैन हैं, बहुत चाहती हैं, किसी को चाहने से पहले उस इंसान को उसके करीब होके लोग देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, अच्छाई और बुराइयों को तौलते हैं, फिर किसी का फ़ैन होते हैं। लेकिन पवन जी का जो है, अगर फैमिली मैनेजमेंट देखा जाए तो शुरू से ही बहुत गड़बड़ रहा है, क्या कहेंगी इस पे? देखिए, जो मैं ये कहूँगी कि उसकी जो फैमिली वाली मैटर है उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अक्षरा सिंह जो हैं उनके बारे में मैं थोड़ा कह सकती हूँ कि जैसे कि उनको सपोर्ट किया पवन जी ने, क्या नहीं किया, हर एक चीज़ किया। एक ड्रिंक के वजह से उसको, मतलब उसने गलत बोल दिया कि आप ड्रिंक करते हो, ड्रिंक करना आम बात होती है हर इंसान के लिए, गरीब से गरीब लोग करते हैं। अक्षरा तो कह रहे हैं कंटिन्यू करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशे में रहते हैं हमेशा, जो हमें यूज किए, तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाया, कैमरे के सामने आकर रो रो के बताया, तो गलत थोड़ी ना हो सकता। अगर हम एक दिन का मैटर कैसे हो सकता, अगर हम खुद अगले को यूज करने देंगे तो अगले तो यूज करेंगे ही, गलती एक तरफ से नहीं होता, गलती दोनों तरफ से होती है। तो सारा गलती अगर अक्षरा सिंह, अगर पवन जी सर पे लगा रहे हैं तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, अक्षरा का, पवन का तो थोड़ा लॉन्ग मैटर रहा है, पुराना मैटर रहा है, और एक हमें लगता है कि मतलब एक अवसर के वजह से जो है इस तरह का जो है बात विवाद परिवाद हुआ। लेकिन इस समय अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए और जो परिस्थिति है, जिस हिसाब से अभी उनके वाइफ को लेकर कोर्ट में तलाक को लेकर कुछ मैटर हुआ था, अक्षरा का तो मान लिया पुराना हो गया, फिर वाइफ का मैटर आ गया, और बीच में फिर अक्षरा को ब्रेक दिया फिर से पवन खेसारी लाल यादव ने अपने गानों में जब शुरुआत में ले लिया, तो उसी के बीच में दोनों का कंट्रोवर्सी हुआ, खूब दबा के झगड़ा हुआ, और सब कुछ जानते हुए, तो आप इतना बड़ा फ़ैन है, कभी सब सोचती हैं कि मतलब अगर ऐसा ऐसा मैटर रहा है, ऐसा ऐसा इन लोगों ने किया है, तो भविष्य क्या होगा इनके साथ, अगर हम अपने आप को जोड़ते हैं या जो है इतना ऊंचा दर्जा देते हैं? तो देखिए, आगे क्या होगा पैगाम मुझे नहीं पता है, बस मैं इतना जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए, जो मेरे दिल में पवन सर हैं रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इसको हम क्या माने फिर? देखो, जैसे किसी को अगर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, पूजा, तो मान लिया गायक हैं, सिंगर हैं पवन सिंह जी, बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छी बात है, हम भी सुनते हैं, सुरीला आवाज़ है, पसंद आता, अच्छा लगता है, लेकिन जब हम किसी अलग प्रकार का सपोर्ट या अलग प्रकार का प्रेजेंटेशन करते हैं या किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार सोचते ज़रूर हैं, तो इस पे आप जो है क्या सोच कर कि मतलब पवन सिंह जी एक बहुत अच्छे गायक हैं, आप उन्हें बहुत मानती हैं, इसी बात को लेकर? नहीं, उनकी हर एक खूबी मुझे अच्छी लगती है, उनके सॉन्ग अच्छी लगती है, वैसे भी मैं बचपन से उसकी फ़ैन हूँ। अच्छा, टैटू तो हाल ही में मैं बनाई हूँ, पर फैन उसकी बचपन से हूँ। तो सपना जी, आपका कहने का मतलब आप बहुत बड़ी फ़ैन हैं पवन सिंह जी का, आपने इनका टैटू जो है अपने हाथों पे लिया है,
और बहुत से लोगों ने ऐसा काम किया है, बहुत से लोगों ने उनका टैटू जो है अपने हाथों पे गुदाया है, और वो लोगों ने सपोर्ट भी किया है, अच्छी बात है। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज है जो आप पवन सिंह जी तक देना चाहती हैं? देना चाहती हूँ मैं पवन सर जी से, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर जी मुझे आपसे मिलना है और बस सिर्फ मिलना है, मिलना या है। मिलने के बाद जो है एक सबसे बड़ा वो होता है, लोग माइक ले लेके आपको ढूंढने लगते हैं। ये तो मन में मनसा लेकर नहीं आए। नहीं, मुझे पवन सर से मिलना है और मिलने के लिए मान लिया आपसे, आपको पवन सिंह से मिलना, फिर खेसारी लाल से मौका मिल जाए मिलने को तो? देखिए, वो खेसारी लाल जी को जानते हैं हम, पर उसका दिल नहीं दुखा सकते, हम जानते हैं नहीं, जानने उनको, तो भाई सुपरस्टार है, लेकिन हर कोई पहले जानता है, हम लेकिन पवन हाँ। सिंह सर जी से हम मिलेंगे, उसके बाद हम किसी को देखेंगे। अच्छा, मतलब अगर पवन सिंह से मिलने के बाद जो है मौका मिलेगा तो आप खेसारी से भी मिलोगी? नहीं, खेसारी जी सर से नहीं मिलेंगे, क्यों? फिर तो आप कह रही थी अभी कि नहीं, मिलेंगे। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, मैं खेसारी जी सर से तब तक नहीं मिलूंगी जब तक खेसारी सर जी मुझे खुद नहीं कहेंगे कि आप मुझसे मिलो। अच्छा, यानी कि पवन सिंह से आप मिलने के बाद आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो जाएंगी, कि खेसारी लाल सुपरस्टार हैं, आपसे जो है मिलने के लिए आपसे कांटेक्ट करें, क्या नहीं, कहेंगे? देखिए, पता है क्या है, हम जो दरार स्पष्ट बीच कहिए में, जी। देखिए, जो दरार बीच में पड़ी है कोई भी चीज़ से टैटू लेके, तो मैं उससे क्लियर कह देती हूँ कि ऐसा नहीं करना था। अगले इंसान अपना ऊंचाई पाने के लिए एक को नीचे गिरा दिया और एक को ऊपर बैठा दिया। ऐसा आप भी कर सकते हैं ना, नीचे। हाँ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप देखिए, जो स्टार लोग हैं, जैसे पवन सिंह हैं, जैसे खेसारी जी हैं, इनकी कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर इसने एक ना एक फिल्म में साथ में ही काम करना है, तो हम इनके बीच में कौन होते हैं दीवार डालने वाले? अगर हम फाइन है, दिल से मानते हैं, तो हम खुद प्रूव करेंगे कि हम आपको बहुत दिल से मानते हैं। कौन किसको ऊपर कर दिया और कौन किसको नीचे कर दिया, मैं स्पष्ट जो करिए, मतलब समझ नहीं ये पाया। मैं कहना चाह रही हूँ कि एक टैटू के वजह से सोमिया पोखरियाल ने बोला कि मैं पवन जी को नहीं जानती हूँ, अगर वो ये बात नहीं बोलती तो इतना सारा हरगामा नहीं होना था कभी। नहीं, उससे पहले भी अक्षरा सिंह को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था दोनों के बीच में। अक्षरा सिंह को इन्होंने काम दिया था किसी गाने में, उसके बाद से ही दोनों में मतलब कंट्रोवर्सी हो रहा था। देखिए, अक्षरा सिंह ने तो पहले जो दरार पाया था वो तो ठंडा हो गया था, बहुत दिन हो गया था उसका, लेकिन ये जो सोमिया पोखरियाल ने जो दरार डाली थी ना ये टैटू करके, ये ताज़ा ताज़ा हो गया। एक को आसमान पे बैठा दिया, दूसरे को नीचे जमीन पे पटक दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। किसी हमें रब कोई हक नहीं देता कि हम किसी का दिल दुखाएं, और हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी को ऊपर किसी को नीचे गिराने का कोई हक नहीं हमें। अच्छा सपना जी, आपने कीमती समय दिया है VCT पर, और अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, बताया है, लोगों के बीच में बातचीत किया है। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगी? आखिरी में यही कहना चाहती हूँ कि मुझे पवन सर से कैसे भी मिलना है, और प्लीज़ आप लोग मिला दीजिए मुझे, और बस मॉडलिंग तो वैसे भी मैं करती हूँ, अगर पवन सर अगर हमें काम देंगे तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, पवन सिंह जी तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो आपका जो रिक्वेस्ट है, आप जो है आपके रिक्वेस्ट पर अमल करेंगी, क्योंकि आपने टैटू बनाया है और आप मिलने की ख्वाहिश रखती हैं, अच्छी बात है, लोग देखें और पहुंचाएं पवन सिंह तक। हमारा भी यही जो है प्रयास रहेगा। बाकी दोस्तों, आप लोग बने रहिए BCT पर, हम मिलेंगे ढेर सारे वीडियो में, ढेर सारे कंटेंट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।